गाइज वेलकम बैक टू द कैट। आज हम बात करने जा रहे हैं MG Comet EV के प्लस वेरिएंट के बारे में और इसका प्राइस है 10,76,000। तो ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो कि इतनी महंगी है? दिखने में ये नैनो जैसी है बट ये नैनो से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि क्या मिलता है हमें इसमें ऐसा और क्या नहीं मिलता इसमें ऐसा, और क्या ये 10 लाख के वर्थ इट है कि नहीं। और अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर बैठे। आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना होगा और आप इसको रेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या रेंज है, क्या बैटरी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सकेट आपको ये भी प्रोवाइड करवाता है और हम आज की वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे A to Z। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। सो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में, किसका डिजाइन कैसा है। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं एक ईवी खरीदने की बट आप परेशान हैं उसकी चार्जिंग और सर्विसेज को लेके, सो डोंट वरी, जकैट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। जकैट से आप रेंट पे ले सकते हैं ईवी 7 to 30 days के लिए और एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके सारे फीचर्स को। जकैट प्रोवाइड करता है चार्जिंग, मेंटेनेंस, रेंटल एंड लीजिंग। सो आपको स्टार्टिंग में ईवी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि जकैट आपको ईवी रेंट पे ऑफर करता है ताकि आप पता लगा सके कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। सो अभी जाइए हमारी साइट पे zakat.in और बुक करिए। डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इतनी छोटी सी है, बिल्कुल हाथ के बराबर अगर आप देखोगे तो। बट इसमें भतेरो फीचर्स है नो डाउट। सबसे पहले हम आगे देखें तो आगे आपको MG का लोगो मिल जाता है फ्रंट में, जहां से आपकी चार्जिंग होती है। मीन्स जैसे ही आप इसको पुश करोगे तो यहां से आपका एक चार्जिंग स्लॉट है जहां से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। बैटरी की बात हम आगे करेंगे, पहले हम डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट लगी है चार्जिंग की, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आए, यहाँ पर लाइट्स देखें अगर आप, तो ये है LED DRL लाइट्स जो कि पूरी अटैच्ड है, जो कि रात के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है नो डाउट। और नीचे की तरफ देखिए तो आपको यहाँ पे LED के हेडलाइट्स मिल जाते हैं जिसकी रेंज बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ अगर आप आए तो आपको ग्रिल मिल जाती है एंड इसका आप स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस है बट इसमें आपको गड्ढों में दिक्कत नहीं आएगी नो डाउट। इसके सस्पेंशन वगैरह सारे ओके हैं, ठीक है। आप अगर साइड में आए, साइड में देखें तो जो उसके टायर है वो एक ओला के टायर के बराबर है। 12 इंच के टायर मिलते हैं आपको जिसमें आपको कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलती, ये व्हील कैप है। अगर हम ब्रेक की बात करें तो आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सो दोनों ही ब्रेक मिल जाते हैं आपको आगे और पीछे। अब एक बार साइड से इसका लुक देख लेते हैं। साइड से देखने में आप देख सकते हो कितनी छोटी लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो पसंद आ रही है देखने में ही, ठीक है। अब साइड में आपको इलेक्ट्रिक का लोगो मिल जाता है जो कि इसको बताता है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब पीछे से आए तो पीछे भी आपको एक LED की टेल लाइट मिल जाती है सेम टू सेम, जो कि पूरी की पूरी अटैच्ड है। और नीचे आपको LED की नीचे आपको टेल लाइट और दो और मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है MG का इंटरनेट इनसाइड लिखा हुआ और MG Comet का लोगो, एंड साइड में भी आपको सब कुछ A to Z सेम मिलता है। अगर हम बात करें इसके विंडो की तो ये छोटा सा विंडो है जो कि ओपन नहीं होता है, तो ये क्लोज ही रहेगा। बस हमारा एक ये विंडो ओपन होगा और ये हमारा विंडो हमेशा ही क्लोज रहेगा, तो जो पीछे बैठते हैं उनको दिक्कत आएगी इसमें। ये एक मुझे इसका माइनस पॉइंट लगा, पीछे वाले लोगों को कोई विंडो नहीं मिलती है, वो कंजेस्टेड ही रहेंगे। सो गाइज ये बात होगी हमारे डिजाइन की। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं एक ईवी खरीदने की बट आप परेशान हैं उसकी चार्जिंग और सर्विसेज को लेके, सो डोंट वरी, जकैट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। जकैट से आप रेंट पे ले सकते हैं ईवी 7 to 30 days के लिए और एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके सारे फीचर्स को। जकैट प्रोवाइड करता है चार्जिंग, मेंटेनेंस, रेंटल एंड लीजिंग। सो आपको स्टार्टिंग में ईवी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि जकैट आपको ईवी रेंट पे ऑफर करता है ताकि आप पता लगा सके कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। सो अभी जाइए हमारी साइट पे zakat.in और बुक करिए। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि सबसे पहला फीचर क्या है इसमें। सबसे पहला फीचर इसकी ये की है, आप इसकी की देख सकते हो, बहुत छोटी सी की है बट इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये की आपके पास होनी चाहिए इसको चलाने के लिए और इसको ओपन करने के लिए। जैसे कि मैं अभी दूर जाता हूँ, मैं यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब ये लॉक हो गई, ठीक है। अब ये की मैं अपनी जेब में डाल लूंगा एंड गाइज अब की मेरे जेब में है, बट जैसे ही मैं इस गाड़ी के पास जाऊंगा आप देखते रहना, ठीक है। जैसे मैं इस गाड़ी के पास आया आपको आवाज आई होगी, गाड़ी खुल चुकी है गाइस, है ना ये कमाल का फीचर कि आपको की की जरूरत ही नहीं है। एंड बाय चांस अगर आप लॉक करना भूल जाते हो, सो ये देखो, ठीक है। अभी मैं इतने रेंज पे हूं, चेक करना अभी,
चेक करना, गाड़ी लॉक हो चुकी है गाइस। सो अब जैसे मैं पास आऊंगा इसके, ये ऑटोमेटिक फिर से अनलॉक हो जाएगी। देखो फिर से अनलॉक हो गई, आवाज आई मुझे, आपको भी शायद आ गई होगी। आप देखना, अब हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अपने आप ऑन हो चुकी है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, नथिंग। गाड़ी अपने आप, इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है और ये बता रही है कि आई एम रेडी। एंड अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी स्टार्ट या स्टॉप का कोई भी बटन नहीं दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ब्रेक दबाना है। एंड नाउ योर कार इज रेडी, सी दैट्स इट। कितना ही इजी है यार इसको यूज करना, जिसको भी प्रॉब्लम आती है या की लगानी है, ये करना है, स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दबाना, कोई लॉक करना भूल जाता है, तो ये सारी चीजों की दिक्कत ही दूर कर दी है एमजी ने, आई लाइक इट। एंड गाइस अब चेक करते हैं हम इसका इंटीरियर। अब अगर आपको ये विंडो खोलनी है तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है पावर विंडो का, ये बिल्कुल थार की तरह है। आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से कर सकते हो इसको नीचे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको अब्रप्ट लगेगा क्योंकि हमें आदत हो चुकी है यहाँ से करने की, बट ठीक है, इसकी आदत भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो गाइस अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, किसका इंटीरियर कैसा है। आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, क्या ही प्रीमियम फीलिंग आती है बैठते ही। जो इसका मटेरियल यूज किया गया है एंड जो इसका लुक है वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा ही क्लासी है और बहुत ज्यादा रिच वाली फीलिंग आती है कि एक बहुत ही अच्छी गाड़ी में बैठे हैं। एंड यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग देखोगे, छूके देखोगे तो क्या ही फील आ रही है यार, मुझे तो बहुत अच्छी फील आ रही है, नो डाउट। सो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका कि इसका जो मटेरियल है और जो इसकी फील है, लुक एंड फील है, वो बहुत ही टॉप नॉच है। सो आई लाइक इट। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, अब आपको कुछ भी यूज करने के लिए तो है नहीं, कोई बटन्स वगैरह यहाँ तो कुछ मिलते नहीं है, तो इसमें आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट, जिसको आप कुछ भी बोलोगे कमांड ये सब सुन लेगी। जैसे कि हेलो एमजी, प्ले द म्यूजिक। सी उसने अपने आप म्यूजिक खोला, एफएम पे गई, अभी कोई फोन कनेक्ट नहीं है तो आई थिंक इसलिए नहीं हो रहा। हेलो एमजी, प्ले एफएम। Please tell me the today's weather. See, तो अभी हम यहाँ पे हैं राइट नाउ। सो ये सारी आपकी फीचर बताएगी आपको। ओके एमजी, म्यूट। तो हाँ, एक चीज और, यहाँ से अगर आपको नहीं बोलना तो आपको यहाँ पे शेयरिंग में भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप इसका साउंड म्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, आप इसको प्रेस करना तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको बोलना नहीं है हेलो एमजी तो, ठीक है। ओके थैंक यू, आपका हो गया। सो गाइज ये आपका शेयरिंग कंट्रोल है जिसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वॉल्यूम के, अप डाउन के, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, कि ये आपको सब बताएगा यहाँ पे कि ट्रिप क्या है, मीटर स्पीड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। सो अब बात करते हैं कि डिस्प्ले में हमें क्या क्या दिख रहा है। डिस्प्ले में हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारी रेंज कितनी है, रेंज अभी 192 किलोमीटर दिखा रहा है, 96% बैटरी हेल्थ पे, अभी इको मोड पे है, सो अभी ये दिखा रहा है 90, 192। और जैसे ही हम इसको यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन है ई और एज, इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। अब लग गया नॉर्मल मोड और अब लग गया हमारा स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में भी आपको सेम रेंज दिखा रहा है अभी, आई थिंक कुछ रेंज कम हो जाती है स्पोर्ट्स मोड में, पर अभी चेंज नहीं हुई है, सो आई डोंट नो क्यों नहीं हुई है, बट चेंज हो जाती है आपके पिकअप में और आपकी स्पीड में बहुत फर्क आएगा इससे। एंड अब अगर बात करें यहाँ पे सेंटर में, तो आपको यहाँ पे 10.2 इंचेस की समथिंग आपको डिस्प्ले मिल जाती है। दो डिस्प्ले है इसमें, आपका अपना डिस्प्ले होगा और जो पैसेंजर होगा उसका अलग डिस्प्ले होगा, वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है इसको। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलती है जिसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये आप अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप जो मर्जी चाहो, अपना नेविगेशन हो गया, आपके गाने हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, आपका फोन कनेक्ट हो गया, ये सब भी आप कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है।
सेटिंग्स में आपको वही सारे जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं वाईफाई के, एमजी वॉइस, यूजर मैनुअल, सिस्टम, वॉलपेपर, जनरल, ब्लूटूथ, ये सब मिलता है आपको, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें बैटरी मिलती है आपको 3.3 किलोवाट की, जिसकी चार्जिंग टाइमिंग है 7 आवर्स। यस, एंड इसमें आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। सो ये इसका एक माइनस पॉइंट है जो मुझे लगा कि अगर आपको 7 घंटे चार्ज करनी ही पड़ेगी, और 7 घंटे में आपकी रेंज को समथिंग 200 किलोमीटर तक आएगी, और जिसमें से लोगों ने क्लेम किया है कि 100 से 150 किलोमीटर तक चल जाती है। सो अभी हमने टेस्ट ही करा, रेंज टेस्ट। अगर आप चाहते हो कि हम इसे पूरा दिन ड्राइव करें और इसकी रेंज चेक करें, सो कमेंट कर देना, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे पूरी, कि एक दिन पूरा चेक करेंगे इसको फुल चार्ज करके कि कितनी चल जाती है एक दिन में। सो ये बात होगी हमारी बैटरी की, 3.3 किलोवाट की मिलती है, जिसमें आपको IP68 रेटिंग मिलती है। मींस कि आपको पानी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको वो भी सिक्योरिटी मिल रही है साथ में। एंड अब बात करें इसके गियर बॉक्स की। सो ये ऑटोमेटिक है, कोई भी आपको समथिंग ऐसे पकड़ने का नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एक डायलर मिल जाता है जिसको आप चेंज कर सकते हो ब्रेक दबा के। आप अभी न्यूट्रल पे है तो आप इसको ड्राइव पे डाल सकते हो। अभी रिवर्स लग गया, एंड रिवर्स से आप यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, आप चेक कर सकते हो। क्लैरिटी ओके है, इतनी भी कोई प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, बट आपके लिए विजिबल रहेगी ये क्वालिटी, ठीक है। और आप पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जैसे चार्ज होगी तो ये लाइट चल जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल डाल दिया और अब ड्राइव मोड पे लग गई है कि अब गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है ड्राइव पे, ठीक है। अभी हम इसके बाद ड्राइव टेस्ट करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्पेस की, कि इसमें कितना स्पेस मिलता है, ठीक है। जैसे कि 2 बंदों के लिए तो कंफर्टेबल है, नो डाउट। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि जो बाकी गाड़ियों में होता है। यहाँ से आप यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। सो ये आप कोई दिक्कत नहीं आएगी चेंज करने में सीट। सो ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक बुरा भी है, क्योंकि आपको कुछ भी रखना हो सामान वगैरह तो आपको जगह नहीं मिलती, बस आपको ये छोटी सी जगह मिलती है जिसमें आपका सारा सामान नहीं आ पाएगा। एंड यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज नहीं मिलता, और भी कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे सामान रखने के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही स्पेस मिलता है। और यहाँ पे आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाता है जिसमें आप अपना ग्लास रख सकते हो। दैट्स इट, और कोई भी स्पेस नहीं है इस गाड़ी में सामान रखने के लिए, ठीक है। एक ये बात होगी हमारे सामान की। अब बात करते हैं स्पेस की। जैसे कि ये मेरी कंफर्टेबिलिटी है, मैं थोड़ी सी और आगे कर लेता हूँ, एक मिनट दिस, ठीक है। अब मैं कंफर्टेबल हूं, मैं अपनी बैक वाली सीट भी पीछे कर लेता हूँ थोड़ी सी। आहा, यहां से मैं कंफर्टेबल हूं। अब चेक करते हैं मैं पीछे बैठ पाऊंगा नहीं बैठ पाऊंगा। जैसे कि मैं ये सीट खोलता हूं तो एक चीज और, मैं यहां से उतर रहा हूं बट इतना स्पेस अभी भी खाली है, समझ रहे हो। मतलब ये थोड़ी सी और चीज है, लेकिन ठीक है, बनाई गई है तो बनाई गई है। अब चेक करते हैं कि इतने में ही मैं कितने में यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। एंड अब बैठते हैं पीछे, ठीक है। अब हम पीछे आ गए, हमने पीछे किया और इसको हमने वापस से खींचा, एक मिनट। सो गाइस मैं पीछे आके बैठ चुका हूँ, और मैं अपना आपको हेड स्पेस दिखाऊं तो बहुत ज्यादा हेड स्पेस है, नो डाउट, ठीक है। मतलब 5.6-5.7 तो आराम से बैठ जाएंगे, मेरी हाइट 5.7 है तो मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें। और बट इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे आपको कोई विंडो नहीं मिलती, बस आगे से हवा आएगी आपको, दैट्स इट। और कोई भी आपको यहाँ से विंडो नहीं मिलेगी, एंड 2 पर्सन आराम से बैठ जाएंगे। कोई यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलता, ये भी एक चीज़ है, बट कोई बात नहीं, ये भी कंफर्टेबल है। एंड जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो मुझे मेरे बिल्कुल फेस के सामने ये सीट आ रही है, तो मुझे ना अगर आगे देखना है तो मुझे या तो यहाँ से देखना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ तक दे रखा है। सो ये भी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट लग रहा है मुझे, कि यार थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा छोटा होता तो मैं शायद यहीं से भी देख सकता आगे क्या चल रहा है, बट मुझे ऐसे होना पड़ेगा देखने के लिए कि आगे क्या चल रहा है। ये भी एक बात है जो मुझे लगी। एंड अगर आप यहाँ से देखोगे सामने का इंटीरियर तो कितना ही क्लासी लग रहा है ना, कितना ही रिच प्रीमियम, ओहो मज़ा आ गया। सो एक ये बात होगी हमारे स्पेस की। एंड पीछे आपको कुछ भी नहीं मिलता इसके अलावा, यहाँ पे आपको एक सामान रखने के लिए छोटा सा स्पेस मिलता है, कोई चार्जर पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि अपना फोन वोन चार्ज कर लो, सो ऐसा भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे। एंड गाइस पीछे आपको कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, बट आपको आगे चार्जिंग पॉइंट मिलता है। यस, यहाँ पे आपको कहीं भी विजिबल नहीं होगा चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट आपका विजिबल है यहाँ नीचे की तरफ। एक USB चार्जर मिले हैं आपके दो, एंड यहाँ पे आपको हुक मिला है कोई सामान टांगने के लिए, कोई सामान कैरी करना हो अगर आपको तो यहाँ पे आपको हुक भी मिल रखे हैं जहाँ पे अपना कोई भी सामान आप टांग सकते हो। सो ये आई थिंक कम ही यूज आएगा लोगों के, बट ठीक है, दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। बाकी यहाँ पे आपको AC के वेंट मिल जाते हैं, और ये आपका फैन का ब्लोअर हो गया, और ये आपका मैनुअल AC होगा कि कहाँ पे आपको हवा चाहिए, फ्रंट में, पीछे, पैरों पे, समथिंग, ये सब बातें हो गई। और यहाँ पे आपको इको मोड और स्पोर्ट्स मोड, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता है इसके अलावा आपको यहाँ पे।
एंड इसमें आपको मिलते हैं दो एयरबैग्स। तो गाइस ये बात होगी हमारे पूरे इंटीरियर की कि हमें इंटीरियर में क्या क्या मिल जाता है, और ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है छोटा सा, जो कि एज यूजुअल सारी गाड़ियों में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है छोटी सी, थोड़ी सी कम लाइट है इसकी रेंज में। पीछे आपको कोई लाइट नहीं मिलती है, तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। बाकी आप मिरर देखोगे तो मिरर की क्वालिटी भी अच्छी है, हार्ड है, एंड दैट्स इट। ये बात होगी हमारी बैटरी, इंटीरियर डिजाइन एंड स्पेस की। एंड गाइस अब चेक करते हैं इसका बूट स्पेस, जो कि आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि इसका बूट स्पेस कैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस कैसा है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। जीरो बूट स्पेस, ठीक है। छोटा मोटा सामान आ जाएगा, जैसा आप सोच रहे होंगे कि आपको एक बहुत फ्लैट बेंच मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चाहते हो तो इस दो सीटों को आगे करके, इन दो सीटों को आगे करके अपने लिए सामान कैरी कर सकते हो, लगेज वगैरह जो भी आपको रखना होगा लंबे ट्रैवल के लिए। बट अगर आप लोग चार लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है लगेज कैरी करना। सो ये आप सोचे चलना कि बाय चांस अगर आप बहुत ज़्यादा सामान है और अगर आप लोग चार लोग हो तो बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। अगर दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका सामान ईजिली आ जाएगा। सो अब हम इसे बंद कर देते हैं। सो गाइस अब एक बार इसको चला के देखते हैं, इसका राइड लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि चलाने में कैसी फीलिंग आती है। तो रेसी की गाड़ी हमारी रेडी हो रखी है, कुछ नहीं करना आपको, एक बार सिर्फ आपको ब्रेक दबाना है एंड यहाँ से आपको अपना मोड चेंज करना है। अब आ गई है ड्राइव मोड पे, और ये अभी लगी हुई है स्पोर्ट्स मोड पे। पहले हम चलाएंगे इसको इको पे, इको पे कैसा फील है उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक नीचे कर दिया है हमने, यहाँ पे हमने बेल्ट लगा ली है, ठीक है। अब चलाते हैं, आवाज सुन सकते हो, बिल्कुल ही जीरो साउंड है यार, बिल्कुल ही जीरो साउंड है, कोई साउंड नहीं आ रहा। चलाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे, सब कुछ दिख रहा है नीचे का भी, और नो साउंड नथिंग। एंड अगर हम कट मार के देखें, हाँ अगर आप 100 से ऊपर हो तो शायद कोई चांसेस हैं कि थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब चेक करते हैं एक बार इको मोड पे कि इसकी ना टॉप स्पीड कितनी खुल जाती है, वहीं तक चेक करेंगे कि क्या टाइमिंग है इसकी खुलने की, देखते हैं कैसा खुल जाती है। स्पीड जा रही है गाइस 50, खुल गई भाई 70 तक खुल गई, नो डाउट पिकअप पकड़ रही है, लेकिन स्लोली स्लोली पकड़ रही है, ठीक है। इको मोड पे आपको भगाने का मौका मिलेगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा 50 तक पहुंचने में। अभी मैंने सेकंड्स नोट नहीं करे कि कितने सेकंड्स लग रहे हैं, बट हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है इसको पहुंचने में। सो गाइस अब चेक करते हैं स्पोर्ट्स मोड पे कि स्पोर्ट्स मोड पे ये कितनी तेज भग जाएगी, और एंड 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में कवर कर रही है, ठीक है। लेट्स सी, 3, 2, 1 एंड गो। 50 पहुंच गई, एंड 75, आगे थोड़ा रास्ता खराब था गाइस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक ये 10 सेकंड्स के अंदर अंदर 100 तक पहुंच जाएगी स्पोर्ट्स मोड पे। सो एंड स्पोर्ट्स मोड पे इसकी थोड़ी सी स्पीड की जो स्टेबिलिटी है ना, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि काटने पे ये थोड़ी सी डिसबैलेंस ना हो जाए। 100 से ऊपर तो आई थिंक थोड़ा सा मूवमेंट है गाड़ी में, बॉडी रोल है, पहुंच जाएगी। सो गाइज अब आप कमेंट्स करना और बताना कि आपने कितनी इसको हाई स्पीड आपने कितनी खोल रखी है। आई थिंक इसकी 110 की टॉर्क पावर है और 41 की BHP है, सो 100 से ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, नो डाउट। सो ये होगी हमारी स्पीड की बातें, अब हम बात करते हैं इसके वर्डिक्ट की। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं एक ईवी खरीदने की, बट आप परेशान हैं उसकी चार्जिंग और सर्विसेज को लेके, सो डोंट वरी, ज़कैट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। ज़कैट से आप रेंट पे ले सकते हैं ईवी 7 to 30 डेज के लिए और एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके सारे फीचर्स को। ज़कैट प्रोवाइड करता है चार्जिंग, मेंटेनेंस, रेंटल एंड लीजिंग। सो आपको स्टार्टिंग में ईवी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़कैट आपको ईवी रेंट पे ऑफर करता है ताकि आप पता लगा सके कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। सो अभी जाइए हमारी साइट पे zakat.in और बुक करिए। सो गाइज ये थी हमारी आज की फुल वीडियो MG Comet EV के बारे में। ये था हमारा एक्सपीरियंस कि जो जो मिलता है आपको, ये हमारी पूरी फील थी। सो आप कमेंट करके बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी, और अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ज़कैट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपने लिए 7 डेज के लिए इसे बुक कर सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट में, और आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर बैठे। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है,
तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे इस गाड़ी के बारे में कि आपका क्या अमाउंट है, कैसे क्या प्रोसीजर होगा, कि क्या अमाउंट पे करना है एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।